क्रिकेट में जो बैट यूज होता है वो बैट किससे बनता है? ऑब्वियसली जो बैट होता है वो पेड़ों से निकाला गया लकड़ी से यूज होता है, लेकिन कौन सा लकड़ी या फिर कौन सा पेड़? वो पेड़ होता है विलो पेड़। क्या आप जानते हैं हम लोग जो गली क्रिकेट खेलते हैं या फिर मोहल्ले पे क्रिकेट खेलते हैं या फिर जो कम बजट का क्रिकेट होता है वहाँ पर जो विलो बैट यूज होता है वो इंटरनेशनल विलो बैट से बहुत डिफरेंट है, और इंटरनेशनल विलो बैट का दाम भी बहुत ज्यादा होता है। और भी बहुत कुछ जानना है दोस्तों आपको, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों दुनिया में बहुत टाइप का पेड़ मिलता है, 60,000 से ऊपर तरीके का पेड़ मिलता है दुनिया में, लेकिन उन पेड़ में सिर्फ विलो पेड़ ही क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए एक ऐसे वुड यानी लकड़ी जिससे कि क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेला जा सके, यानी लकड़ी का वजन कम होना चाहिए, लकड़ी से बॉल टकराकर बहुत दूर जा सके, और लकड़ी का जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए विलो बैट को चूज किया गया था। तो क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड पे, तो इंग्लैंड यानी ब्रिटिश वाले ही विलो बैट का चयन किए थे, क्योंकि विलो बैट पूरे दुनिया भर सब जगह पर नहीं उगते हैं। दुनिया में सिर्फ दो जगह प्रसिद्ध है ये विलो बैट के लिए, एक है इंग्लिश विलो बैट और दूसरा है कश्मीर विलो बैट। इंग्लैंड का जो विलो बैट होता है यानी इंग्लिश विलो, वो सफेद कलर का होता है और ये बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि वहाँ पर जो विलो पेड़ उगता है वो डिमांड से बहुत कम ही सप्लाई होता है, तो इसी कारण वहाँ का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा विलो बैट में क्या देखा जाता है? विलो बैट में सबसे ज्यादा देखा जाता है ग्रेन। ये ग्रेन क्या होता है? वो बैट के सामने आप जो दाग देखते हैं यानी जो पेड़ के अंदर पे दाग होता है वो होता है ग्रेन। और वो ग्रेन क्या होता है? एक ग्रेन मतलब एक साल, यानी उस पेड़ के अंदर मान लीजिए 10 ग्रेन है तो वो पेड़ 10 साल पुराना है। और विलो बैट देखा जाता है ग्रेन के हिसाब से, जितना ज्यादा ग्रेन उतना अच्छा क्वालिटी। और ये जो इंग्लिश विलो है ये नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेटर या फिर डोमेस्टिक हाई लेवल पे यूज किया जाता है, और ये जो क्रिकेट में कॉर्केट बॉल यूज होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग जो गली क्रिकेट में खेलते हैं वहां पर भी विलो बैट बहुत यूज होता है, लेकिन उसका रेट कम होता है क्योंकि वो कश्मीरी विलो है। कश्मीरी विलो बैट वजन में थोड़ा ज्यादा होता है और इसका अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका रेट भी बहुत कम होता है। लेकिन कश्मीरी विलो बैट का जो मेंटेनेंस होता है ये बहुत कम पैसे में हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल जो बैट होता है यानी इंग्लिश विलो का बैट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। इसके अलावा इंग्लिश विलो बैट से ज्यादा कश्मीरी विलो बैट बहुत दिन तक चलता है। तो बॉटम लाइन ये है कि कश्मीरी विलो बैट बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है और एक्सपर्ट के लिए इंग्लिश विलो बैट से बहुत अच्छे है। तो कमेंट में लिखिए आपको और क्या जानकारी चाहिए क्रिकेट के बारे में। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।